निधि जैन पब्लिक लाइफ से और आज सागर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शैलेन जैन से आज अपन विकास के लिए कुछ चर्चा करने आए हैं। लीजिए, आप अभी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ। पूर्व में विधायक भी रहे हैं आप, आपने बहुत विकास किया है, ये डंका आपका बज रहा है, इसके लिए मैं जनता की तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ आपको, लेकिन आगामी आने में और क्या क्या विकास करेंगे आप? देखिए, अभी विकास के मॉडल को अभी हम लोगों ने शुरू किया है। जो बेसिक आवश्यकताएं थी इस शहर की, अभी वो पूरी हुई हैं। अभी एडवांस आवश्यकताएं, जैसे हेल्थ सेक्टर में सुपर स्पेशलिटी हमारे मेडिकल कॉलेज में हमें चाहिए है, वो सुपर स्पेशलिटी आगामी समय में हम लेके आएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को, दोनों को इंडिपेंडेंटली, दोनों अपनी एक इंडिविजुअल फंक्शनरी बन जाए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा एडवांसमेंट की अभी बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे कि सागर जो है, कुछ वर्षों पहले तक संभागीय मुख्यालय होते हुए भी उसमें मुख्यालय की खुशबू नहीं थी। अब कम से कम उस सड़कों का मामला है, हमारे यहाँ खेल सुविधाओं का मामला है, एलिवेटेड कॉरिडोर का मामला है। आप देखेंगे नया बस स्टैंड बन रहे हैं, हमारे यहाँ इनक्यूबेशन सेंटर आ गया है, हमारे यहाँ ओल्ड एज होम बन गया है, ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है, डेयरी विस्थापन का कार्य हो गया। ये तमाम कार्य जो वर्षों से कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, इस बार हम लोगों ने सारे कामों को लगभग पूर्णता की ओर है। सागर का तालाब भी लगभग पूर्णता की ओर है और अब इसके बाद हम लोग गलियों में, कॉलोनीज़ में, ये जो रोडें बनने के लिए आतुर हैं, लोग अपेक्षा कर रहे हैं, तो मुख्य मार्गों से अब हटके फिर अब हम लोग मिशन कायाकल्प पे काम करेंगे और अंदर की सड़कें बनाने का काम करेंगे। उस पर हमने काम शुरू किया है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12 सड़कें हम लोगों ने पिछले 20 दिन में बना डाली हैं। अभी हम लोग क्रिश्चियन कॉलोनी गए थे तो वो बता रही थी बहन जी, अरे भैया पता ही नहीं चला, रात को सोए सुबह रोड बनी मिली। हम लोगों के काम करने का ढंग यही है। हम लोग बहुत तेज़ गति से विकास कर रहे हैं और सागर की अपेक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप सागर को एक महानगर के रूप में बनाने के लिए। सर, बीजेपी ने बहुत सी सौगातें दी हैं, ये सभी जानते हैं, बस एक आपसे ये है कि आप महिलाओं के लिए सागर में कुछ विशेष रोजगार के लिए क्या करेंगे? महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक्चुअली हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे भी कुछ काम शुरू किया है। वहाँ पे उनको सिलाई कढ़ाई, और हम लोगों ने धागे को से कपड़े बनाना, वीविंग, और वो भी काम मशीन, वैसी मशीन नहीं, पावर ड्रिवन नहीं, हैंडलूम से काम करना शुरू किया है। उसे बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिलने की संभावनाएं आगे आने वाले समय में मिल जाएंगी। फर्नीचर क्लस्टर हमारा सैंक्शन हो गया है, ये हमारे सागर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। आगामी 2 साल के अंदर हम इस दिशा में दे देंगे और फर्नीचर के फील्ड में सागर पूरे देश में एक नाम हो जाएगा, स्थापित नाम। वहाँ पे क्वालिटी फर्नीचर अगर आपको चाहिए तो सागर का नाम निश्चित हो जाएगा। तो इसमें मतलब बेरोजगारी कहाँ तक ख़त्म होने जाएगी? देखिए, बेरोजगारी ख़त्म कर पाऊँगा मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लोगों को रोज़गार दे पाऊँगा, कितने लोगों को दे पाऊँगा इसकी हम बिल्कुल पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से कुछ करेंगे। प्रदेश का मंत्री कैसा हो? हम लोगों को इस बात को लेकर तसल्ली है कि मंजिल कठिन है, तो लेकिन हम खुशी हैं कि हमने उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे तो बढ़े। वो उन लोगों से तो बेहतर हैं कि जिन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया और घरों में बैठे और हमारी आलोचनाएं कर रहे हैं। कहाँ है कि मंजिल मिल ही जाएगी, मुश्किल ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सर,
आज मैंने विधायक जी से यहाँ से सागर प्रत्याशी से बात करी, उन्होंने अपने विकास के पहले बारे में भी बताया और आगामी आने के भी बेरोजगारी को खत्म करने का उन्होंने एक प्लानिंग बनाई हुई है, उसमें भी वो अग्रसर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं पब्लिक लाइफ से निधि जैन, धन्यवाद।